दोस्तों, बेस्ट सेंटेड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का पौधा है गेंदा। अपने मनमोहक एवं विविध रंगों, खुशबू, हर प्रकार की मिट्टी तथा मौसम में उगने की क्षमता, जल्दी न खराब होने तथा सालों भर फूल देने के कारण यह फूल फूलों के शौकीन एवं व्यवसायियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। प्राकृतिक रंग बनाने, कुक्कुटों के भोजन तथा तेल निकालने में इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। आज की कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं अफ्रीकन गेंदे टैजेटिस की। इसका पौधा 3 फीट तक लंबा हो जाता है तथा फूल काफी बड़ा होता है। यह पीला, चमकीला पीला, स्वर्ण पीला, नारंगी तथा सफेद रंग का होता है। इसकी उन्नत किस्म है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, जायंट डबल अफ्रीकन ऑरेंज तथा जायंट डबल अफ्रीकन ऑरेंज। हमारा दूसरा किस्म है फ्रेंच गेंदा टैजेटिस पेटुला। इसके पौधे सघन छोटे आकार के होते हैं। इसका फूल एकाहरे या दोहरे प्रकार का होता है। इसका रंग पीला, नारंगी, चित्तीदार, लाल या मिश्रित होता है। एकाहरी किस्म में स्टार ऑफ इंडिया या हारमोनी आते हैं। दोहरी किस्म में रस्टी रेड, फ्लेम स्प्रे, बोनीटा, ऑरेंज, लेमन ड्रॉप इत्यादि हैं। आप गेंदे की फूल, माला, पेड़ या बीज बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए जून से तैयारी करें तथा खेत में खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। इसके बाद खेत की गहरी जुताई करें तथा प्रति एकड़ 12 टन तक गोबर डालें। अंतिम जुताई के पहले खल्ली तथा रासायनिक खाद डालें। गेंदे की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। खेत अच्छी तरह से तैयार कर लेने के बाद अक्टूबर माह में पौधा लगाएं। अफ्रीकन गेंदे के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक एकड़ में लगभग 30,000 पौधों की आवश्यकता होती है। गेंदा के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक एकड़ में लगभग 67,000 पौधों की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करें तथा कोई रोग होने पर उपचार करें। वर्णदाग या झुलसा होने पर फ्लाइटॉक्स या विवेस्टीन का छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू होने पर सल्फेक्स का छिड़काव करें। पौधे में गलन होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। कुकुम्बर मोजैक वायरस ग्रास हॉपर द्वारा फैलता है, इससे बचने के लिए मेलाथियोन का छिड़काव करें। यदि फूलों में रेड स्पाइडर माइट लगा हो तो डाइकोफॉल का छिड़काव करें। यदि लार्वा लगा हो तो इकालकस का छिड़काव करें। फूलों के तैयार होने पर उससे कैलिक्स को हटाकर बीज को एकत्र करें। एक एकड़ में औसतन 30 से 35 kg बीज तैयार हो जाता है। पूसा बसंती के 1000 बीज का वजन 2.46 ग्राम तथा पूसा नारंगी के 1000 बीज का वजन 2.98 ग्राम होता है। बीजों का भंडारण 7 से 7.5% नमी रहने पर थीरम या साइटोजाइम से उपचारित कर 8 माह तक पॉलीथीन के थैले में किया जा सकता है। कपड़े की थैली में 5 से 6 माह तक भंडारण किया जा सकता है। दोस्तों, गेंदे के 1 kg बीज से 4 लाख तक पौधे उगाते हैं, जिन्हें 5 से 10 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। अभी 1000 बीज की कीमत 1550 रुपये है। इसकी तुलना में हमारे पास गेहूं की खेती करने का विकल्प है। एक एकड़ में औसतन 10 क्विंटल तक गेहूं का उत्पादन होता है। इस प्रकार देखा जाए तो एक एकड़ गेंदे की खेती आपके किस्मत को बदल सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह किसी अन्य के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।